Assalamualaikum dear students, welcome to physics with Feroz Shah. आज की वीडियो में हम logical reasoning का third वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैंने इससे पहले two videos में 10 MCQs आपके साथ शेयर किए थे. आज 5 to 6 MCQs और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. Lecture number 3 of logical reasoning. Question number 11 है. 10 तक हमने दो videos में upload किए हैं. Question number 11 है कि विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ स्वी गैस इट इज फियर्ड दैट स्वी गैस विल बी रेयर इन नियर फ्यूचर. इस स्टेटमेंट का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कोर्स एंड एक्शन से लिया है, कोर्स ऑफ एक्शन या कोर्स एंड एक्शन से लिया है. इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट का मतलब समझना है कि मतलब क्या है. तो सिंपल मतलब यह है कि गैस की इखराजात या गैस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है. गैस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है और ये खतरा है कि आइंदा कुछ वक्त में गैस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा. स्टेंजा का मतलब ये है कि गैस का कंजम्पशन इतना ज्यादा है स्वी गैस का कि ये खदशा जाहिर किया गया है कि कुछ अरसे बाद स्वी गैस खत्म हो जाएगी. तो क्या करना चाहिए, कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए? अब मैं ऑप्शंस एक एक पढ़ता हूं, आप खुद ही बताएं ये कौन सा डिसीशन ठीक होगा कोर्स एंड एक्शन का. पहला ऑप्शन में कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड बैन द यूज ऑफ स्वी गैस. गवर्नमेंट को चाहिए कि स्वी गैस के यूज पर पाबंदी लगा दे कि कोई इसको यूज नहीं करेगा. उम्मीद है आप सब समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल यूज पर पाबंदी लगा दे कि कोई भी खत्म यूज नहीं करेगा. तो फिर फायदा क्या है, फिर खत्म हो या खत्म ना हो फिर तो एक ही बात है. सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है. ऑप्शन बी में कहा है कि पब्लिक शुड यूज स्वी गैस एफिशिएंटली. एफिशिएंटली का मतलब ये है कि फर्ज करें आपने कुकिंग करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करें, और आपने बेजा कमरे 2-3 गर्म करने, उसमें हीटर लगे हैं तो उसको ऑफ कर दें, यानी लॉस जो है वो खत्म कर दें. या कहीं पर पाइप्स के लीकेजेस हैं और आपके मीटर से पहले है तो आप केयर नहीं करते, चलो मना कौन सा मरीज को बिल आता है, तो ये चीजें इनकी केयर करें, पाइप लीकेजेस वगैरह इनको खत्म करें. और दूसरी बात यह है कि कंजम्पशन ध्यान से करें, जरूरत के मुताबिक करें, एक्स्ट्रा यूज ना करें. इट इज कॉल्ड एफिशिएंटली. तो बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि पब्लिक को एफिशिएंटली यूज करनी चाहिए. इट मीन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी में है कि पब्लिक शुड क्लिक और अदर सोर्सेज एज वेल. कोशिश करनी चाहिए कि वो काम रोजमर्रा जिंदगी में जो स्वी गैस से होते हैं वो सारे काम सारे स्वी गैस पर ना करें. अगर कुछ और जराए आपको मिल सकते हैं तो उन दूसरे जराए से अपने काम करें, तो स्वी गैस पर कम से कम काम पड़ेगा, तो ज्यादा अरसे तक स्वी गैस चलता रहेगा और हमारे आने वाले नस्लों के लिए नापेद नहीं होगा. तो दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बोथ बी एंड सी. यानी इसमें दोनों बातें ठीक हैं. पहली बात कि पब्लिक को चाहिए कि एहतियात से इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें. और दूसरी बात यह है कि अपने सारे काम जो प्रैक्टिकल लाइफ में स्वी गैस से होते हैं, अगर उनमें से कुछ काम किसी और जरिए से हो सकते हैं तो कोशिश करें किसी और जरिए से करें और स्वी गैस से ना करें. यह था पहला क्वेश्चन आज के लिए. अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है. जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए एक सीरीज है और सीरीज ये है कि 10, 7, 12, 9, 14, 11 व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो इस पे सिंपल सा रूल हाइड है कि पहले आप करोगे माइनस 3. पहले -3, तो देखो 10 -3 तो 7. फिर दूसरे नंबर पे आप करेंगे +5, तो -3 +5, फिर -3, फिर +5 और फिर -3, लिहाजा फिर बारी है +5 की. तो आप खुद देखें
10 माइनस 3 तो 7, 7 प्लस 5 तो 12, 12 माइनस 3 तो 9, 9 प्लस 5 तो 14, 14 माइनस 3 तो 11, और 11 प्लस 5 सो यू विल गेट 16, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 12 इज 16. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो यहाँ है, इधर है, फिगर वाइज क्वेश्चन है. ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिगर वाइज करें, तो एक ही बात है, हिडन रूल होता है, चाहे फिगर में हो चाहे सीरीज में हो, बोथ आर ऑफ सेम टाइप क्वेश्चन. एनीहाउ फिगर में एक रूल हाइड हुआ है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये जो दो है जनाब इनको मल्टीप्लाई करें और ये तीसरा इससे सब्ट्रैक्ट करें. मैं आपके लिए लिख लेता हूँ फार्मूला. इस फिगर वाले क्वेश्चन का फार्मूला है कि द वैल्यू इन सेंटर इज इक्वल टू टॉप वन मल्टीप्लाई बाय टॉप टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और माइनस बॉटम. इट इज द रूल हिडन इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 13. अब देखिए क्या ये रूल सही है, तो आप देखिए सेंटर पर यहां क्या है 17 है और टॉप नंबर 1 पे क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाय टॉप नंबर 2 पे 4 है और बॉटम पे क्या है 3 है. तो आप देखिए इससे क्या बनता है 5 4 20, 20 माइनस 3 तो 17, बिल्कुल ठीक है. इस पे अप्लाई करें, यहां है सेंटर पे 26 है, इज इक्वल टू टॉप 1 पे 6 है, टॉप 2 पे 5 है और बॉटम पे माइनस 4, तो ये हो गया 4 5 30 माइनस 4 तो 26, बिल्कुल सही है. अब इस पे अप्लाई करें, सो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस विल बी, सेंटर पे क्या होना चाहिए, टॉप नंबर 1 7, टॉप नंबर 2 6 और माइनस बॉटम इज 5, तो 7 6 are 42, 42 माइनस 5 तो आई थिंक द आंसर इज 37, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज 37, ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है वो है जनाब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें है कि इफ ऑल एक्स, मैं पढ़ता हूं और साथ में इधर सॉल्व करता हूं. यहां लिखा है कि इफ ऑल एक्स आर वाई, जब सारे एक्स वाई हैं, तो सॉल्यूशन में आप अपनी मर्जी से एक्स ले लें, एक्स 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 एक्स, मैंने 4 ले लिए, 5 ले लिया, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, आई डोंट केयर, और इस क्वेश्चन पे भी फर्क नहीं पड़ता. ऑल एक्स आर वाई, सारे एक्स वाई हैं, तो सब के साथ वाई लिख देना, वाई 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 वाई. लेकिन क्या इन्होंने कहा है कि ऑल वाई आर एक्स, सारे एक्स वाई हैं लेकिन सारे वाई एक्स नहीं है, लिहाजा कुछ वाई एक्स्ट्रा ले लें, कुछ वाई हम एक्स्ट्रा ले लेंगे. ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा कि सम वाई आर जेड, सम वाई आर जी, यानी जितने आपने वाई लिए हैं इसमें से सारे नहीं, कुछ कुछ जेड हैं, सो कुछ कहीं भी हो सकते हैं, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं. फर्ज करो वो कुछ ये हैं, फर्ज करो ये जेड है, लेकिन कुछ कहीं भी हो सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ये भी हो सकते हैं, वो कुछ ये भी हो सकते हैं, ये भी जेड हो सकते हैं, ये दोनों भी जेड हो सकते हैं, क्योंकि सारे वाई में कुछ जेड हैं, तो कुछ ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ये भी तो हो सकते हैं, ये भी तो हो सकते हैं. जब सारे वाई जेड नहीं है, कुछ वाई जेड है, तो उन कुछ में से ये भी जेड हो सकते हैं, ये भी, और ये भी कहीं भी हो सकते हैं. अब आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ. सारे एक्स वाई हैं, आप देख रहे हो कि जितने भी एक्स मैंने लिखे हैं सबको वाई बनाया है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि सारे वाई एक्स हैं, तो मैंने कुछ वाई एक्स्ट्रा भी ले लिए. फिर उन्होंने कहा कि कुछ वाई जेड है, तो कुछ मीन ये वाई भी जेड हो सकते हैं, ये भी जेड हो सकते हैं, ये भी जेड हो सकते हैं, इनमें से कुछ कोई भी होगा. अब कंक्लूजन ऑप्ट करते हैं. कहा गया है कि ऑल एक्स आर जेड, ऑल एक्स आर जेड, ठीक है, या गलत खुद मिलाए जाते हैं. अगर आप ये जेड ले लें, गौर करें, तो ये एक्स भी जेड है, ये एक्स भी जेड है, ये एक्स भी जेड है, और अगर ये जनाब ये हमारे पास होगा, अगर ये जेड हो, ये ग्रुप जेड हो, तो देखो फिर ये एक्स भी जेड, ये एक्स भी जेड, ये एक्स भी जेड, ये एक्स भी जेड और ये एक्स भी जेड, तो ऑल एक्स आर जेड, ठीक है,
लेकिन अगर ये जेड हुए तो फिर कोई भी एक्स जेड नहीं होगा। इसका मतलब है कि आर एक्स आर जेड ये जुमला रिलायबल नहीं है, क्योंकि सारे एक्स जेड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो गलत है। सम एक्स आर जेड, सम एक्स आर जेड, तो आप देखिए अगर फर्ज करो ये दो वाई जेड बन गए, अगर ये दो वाई जेड बन गए तो ये दोनों एक्स जेड होंगे बाकी एक्स जेड नहीं होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स भी जेड ना हो, कोई एक्स भी जेड ना हो तो ये भी ठीक गलत है। एंड नो एक्स इज जेड, तो अगर जनाब ये वाई जेड हो तो कोई एक्स जेड नहीं होगा। मैंने जो कहा, जो कहना चाहा वो ये है कि आपको स्टेटमेंट में एक्स और जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो कुछ भी सही हो सकता है और कुछ भी गलत हो सकता है। When there is no information about x and z, या when there is no information between x and z, so my dear students, कुछ भी सही हो सकता है इनका और कुछ भी गलत हो सकता है। लिहाजा we cannot conclude. The best option is no conclusion about x and z. हम x और z के बारे में कोई conclusion नहीं ले सकते, and the correct option is option D. Next question, question number 15. और क्वेश्चन नंबर 15 ये है, क्वेश्चन नंबर 15 का आइडिया क्या है। इन्होंने कहा कि 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इट, यानी अपने आप के साथ ऐड करें, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर खुद उस नंबर के साथ ऐड होगा, द वैल्यू डज नॉट चेंज, तो ये नंबर कौन सा है। बहुत आसान सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है कि एक नंबर है, फर्ज करो क्वेश्चन नंबर 15 का आइडिया एक नंबर है, मैंने उसको n कहा, फिर कहा कि इसका 4 टाइम्स ले लें, मैंने ले लिया, फिर कहा इसको अपने आप के साथ ऐड करें, तो 4n को n के साथ ऐड किया और मुझे कहा कि वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लिहाजा एक नंबर का 4 टाइम जब उस नंबर के साथ ऐड करोगे तो वही नंबर खुद दोबारा आएगा, वही नंबर दोबारा आएगा। क्वेश्चन सुने कि एक नंबर है, उस नंबर के साथ ऐड करो उस नंबर का 4 टाइम और आंसर में फर्क नहीं आएगा, यानी वो नंबर फिर आएगा, तो बताओ वो नंबर कौन सा है। एक एक ऑप्शन उठाकर पुट करो, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ना तो मौजूद है, पहले 1 चेक करो, तो n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 4 1 1 इज इक्वल टू 1, 4 1s आर 4 प्लस 1 तो 5 इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल गलत है। और अगर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आते तो 1 ऑप्शन ये कंडीशन ओबे नहीं कर रहा। फिर 2 की बारी है, अब यहां 2 पुट करें तो 4 और n की जगह 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 4 2s आर 8, 8 प्लस 2 तो 10 इज इक्वल टू 2, ये भी जनाब आला बिल्कुल गलत आया, तो इट मीन कि 2 भी वो नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को ओबे करे। अब 1 ओवर 2 की बारी है, सो माय डियर स्टूडेंट 4 की जगह 4, n की जगह 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इज 1 ओवर 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और ये बनता है 3 बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और ये भी मुकम्मल गलत है। इट मीन कि ऐसा कोई नंबर इन ऑप्शन में मौजूद नहीं है जिसका 4 टाइम उसके साथ ऐड हो तो आंसर में फर्क ना हो, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीस, करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का आइडिया भी देखें, एड हाफ ऑफ ए नंबर टू इट्स डबल, कहा गया है कि एक नंबर का हाफ लेने, फिर से सुने, एक नंबर है n, मैंने n कह दिया, एक नंबर है n तो मैंने n कह दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर का हाफ लेने, ले लिया, इसको एड करें, कर दिया किसके साथ, डबल ऑफ इट, यानी इसी नंबर के डबल के साथ, और आंसर 10 आता है, तो बताओ कि ये नंबर क्या है। अभी सॉल्व कर लेते हैं दो मिनट में, एक मिनट में, इसका एलसीएम आएगा 2 और 2 बाय 2 तो 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो n प्लस ये होगा 2 बाय 1 तो 2 n इट इज 4 n इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 5 n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 20 बाय 5 द नंबर इज 4 एंड माय डियर स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग के, जिन स्टूडेंट्स को लॉजिक्स में प्रॉब्लम है तो वो इन वीडियोस को लेक्चर 1 से
लास्ट लेक्चर तक देखें, इंशाल्लाह उनके जो 6 एमसीक्यूज हैं उनको जरूर हेल्प मिलेगी, वो 6 एमसीक्यूज इन कमिंग टेस्ट। ये जो वीडियो है मेरे लॉजिक और रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3, इट इज डेडिकेटेड टू मकसूद शाह फ्रामदीर। मकसूद शाह खुश रहो, आबाद रहो, आपके जो कमेंट्स हैं और आप जो मुझे कॉल कर लेते हो, खैर खैरियत भी पूछ लेते हो और दुआएं भी करते हो, इसका बहुत बड़ा एहसान है। ये मेरी वीडियोस के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करें। थैंक यू।